हेलो गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे कैनरा बैंक होम लोन्स के बारे में और समझेंगे कैनरा बैंक होम लोन्स के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और इंटरेस्ट रेट को। आप घर को बनाने के लिए या फिर घर को खरीदने के लिए कैनरा बैंक से आसानी से होम लोन ले सकते हो। कैनरा बैंक होम लोन के फीचर इस प्रकार से हैं। होम लोन के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है। होम लोन पर इंटरेस्ट रेट रिड्यूसिंग बैलेंस टाइप है। अगर आप होम लोन को समय से पहले जमा करना चाहते हो तब कोई भी चार्जेस नहीं है। आप घर के रिपेयर रेनोवेशन के लिए भी लोन ले सकते हो। दूसरा, घर या फ्लैट खरीदने के लिए भी आप होम लोन ले सकते हो। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कम है और कम्प्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी मिलेगा। आप पहले से बने हुए घर या फ्लैट को परचेज करने के लिए भी होम लोन ले सकते हो। आप घर के रिपेयर रेनोवेशन के लिए 15 लाख तक का होम लोन ले सकते हो। इसके अलावा आप फुली फर्निश्ड या फिर सेमी फर्निश्ड फ्लैट के लिए भी होम लोन ले सकते हो। अगर आप सैलरीड क्लास यानी कि नौकरी पेशा हो तब आप अपनी एक महीने की सैलरी के 72 गुना तक मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हो तो आप अपनी एनुअल ग्रॉस इनकम के 6 गुना तक होम लोन ले सकते हो। कैनरा बैंक होम लोन पर लोन प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का 0.5% है या फिर मिनिमम 1500 रुपये से मैक्सिमम 10,000 रुपये तक। आप कैनरा बैंक से मैक्सिमम होम लोन ले सकते हो 30 साल के लिए या फिर अपनी 75 साल की उम्र तक। आपको मार्जिन यानी कि डाउन पेमेंट करना होगा 30 लाख तक के होम लोन के लिए 10%, 30 से 75 लाख तक के होम लोन के लिए 20% और 75 लाख से ऊपर के होम लोन के लिए आपको 25% डाउन पेमेंट यानी कि मार्जिन पे करना होगा। इसके अलावा आप अपने होम लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस से लाइफ कवरेज भी ले सकते हो। कैनरा बैंक होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी इस प्रकार से है। कोई भी भारतीय नागरिक या फिर NRI कैनरा बैंक से होम लोन ले सकता है। अगर आप सैलरीड क्लास हैं तब आपका कम से कम 2 साल नौकरी होना जरूरी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन हैं तो आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी देना जरूरी है। नौकरी पेशा 60 साल तक और अदर कैटेगरी 75 साल की एज तक होम लोन ले सकते हैं। कैनरा बैंक होम लोन के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सही से भरा हुआ लोन एप्लीकेशन फॉर्म 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ। अगर लोन के लिए को एप्लीकेंट या ग्रंटर हैं तो उनका फोटोग्राफ भी देना जरूरी है। लोन एप्लीकेंट और ग्रंटर का KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ। इसके लिए आप आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। रेजिडेंस प्रूफ के लिए बिजली, टेलीफोन, पानी या फिर गैस का बिल दे सकते हो। पैन कार्ड का कॉपी देना जरूरी है। बिजनेस प्रूफ में GST रजिस्ट्रेशन या फिर अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हो। नौकरी पेशा को 6 महीने का बैंक सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट देना होगा। 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न। सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन को 3 साल का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का कॉपी देना होगा और अपनी बिजनेस का ब्रीफ नोट देना होगा और बिजनेस का प्रूफ देना होगा। NRI को देना होगा पासपोर्ट का कॉपी, वैलिड वर्क परमिट, सैलरी सर्टिफिकेट इंडियन एम्बेसी से अटेस्ट किया हुआ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें आपका सैलरी आता हो। इसके अलावा हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर बने बनाए घर को खरीदने के लिए या फिर फ्लैट को खरीदने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जिसको आप बैंक वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। कैनरा बैंक वेबसाइट EMI कैलकुलेटर से आप अपने होम लोन को आसानी से प्लान कर सकते हो, EMI को कैलकुलेट कर सकते हो। कैनरा बैंक होम लोन इंटरेस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वुमेन कैटेगरी और अदर कैटेगरी। महिलाओं के लिए कम इंटरेस्ट रेट है। 50 लाख तक के होम लोन के लिए अभी इंटरेस्ट रेट 8.5% से मैक्सिमम 11.25% है। 50 लाख से 1 करोड़ के लिए इंटरेस्ट रेट 8.45% से मैक्सिमम 11.15% है। लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के लिए आप बैंक वेबसाइट विजिट कर सकते हो या फिर अधिक जानकारी के लिए आप कैनरा बैंक कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 18001030 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कैनरा बैंक होम लोन के फीचर आपको कैसे लगे हैं, कैनरा बैंक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ औरों की जैसी गलती आप ना करें। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।